हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो पे। मेरा नाम है परमान, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पॉट और कैमरे के पीछे हैं आकाश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा कंप्रेसर बनाने जा रहे हैं जो कि एक 10 एमएल की सीरीज से बनेगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये 10 एम एल की सीरीज की जरूरत पड़ेगी। गाइस, आप देख सकते हो, ये मैंने एक गोल चीज़ यहाँ पर बॉन्डटाइट से चिपका दिया। आप पेन की रिफिल भी चिपका सकते हो जिसमें स्पोक आसानी से घुस जाए। आप देख सकते हो गाइस, ये जो पिस्टन का हेड था इसको मैंने इस तरीके से ब्लेड से काट लिया है ताकि ये जो हमारा सिलेंडर है उस पर अच्छे से लगे। तो गाइस, आप देख सकते हो ये वाला जो सामने का सिरा है इसको हम हरी ब्लेड से कट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो ये अच्छे से कट हो चुका है। अब इस जगह को हमको सोल्डरिंग आयरन से छेद करना है। तो गाइस, ये कुछ साइकिल की वॉल्व्स हैं, ये चाइना वॉल्व्स हैं, ये साइकिल्स में रखते हैं। ओके, तो हमको इसी को इस जगह पे इसके लगाना है। तो आप देख सकते हो गाइस, ये इस जगह पे दो जगह हमने सोल्डरिंग आयरन से इस पर छेद कर दिया है। ओके, अब गाइस, जो हमारे पास साइकिल की वॉल्व थी उनको इस तरीके से लगाना है। एक को इस तरीके से, एक को ठीक इससे उल्टा। गाइस, हमको सिंपली क्या करना है, इस जगह पे हमको अभी बॉन्ड टाइट लगा के इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। ओके, ले देते हैं। तो गाइस, अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों इक्वल अमाउंट में हो ताकि ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो और ज़्यादा अच्छे से चिपक पाए। ओके, अब गाइस इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस, अब हम आगे इस 500 आरपीएम के डीसी मोटर का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, हमारे पास कुछ साइकिल के स्पोक्स हैं जैसे ये हैं, उसके बाद एक दो चूड़ियाँ कसने के बाद हमको इस पे इसको डाल देना है इस तरीके से। इसको इस तरीके से डाल के और इस पे ये जो एक और स्पोक की नट थी उसको मैंने निकाल लिया। अब इसको इस तरीके से कस देना है। मैंने यहाँ से उस जगह दूरी पे इसको इस तरीके से मोड़ लिया, इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ। आपको भी इस तरीके से काट देना है। गाइस, हमको इसी स्पोक को एक दूसरे स्पोक पे रख के इस तरीके से इसको राउंड घुमा लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो गाइस, इस तरीके से हमको इसको कर लेना है। ओके, हमने इसको निकाल लिया। अब गाइस, हमको इस जगह से भी इसको कट कर देना है। ओके, तो गाइस, अब हमें क्या करना है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इस पे हमको ये जो मोटर का क्लैंप है इसको साइड में इस जगह पे लगा देना है। ओके, तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमने क्लैंप को अच्छे से कस लिया है। चलो गाइस, हम इन तीनों को अभी इस वाले पेंट से, ये ब्लैक पेंट है आप देख सकते हो, इससे पेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको अभी पेंट कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमने इस मोटर को क्लैंप पे अच्छे से कस दिया इस जगह पे। अब हम इसको इस जगह पे सिंपली चिपका देंगे। तो मैं ग्लू गन का यूज़ करके इसको चिपका दूंगा। आप देख सकते हो कि मैंने इसको चिपका दिया। गाइस, अब हमने ये जो कनेक्टिंग रॉड बनाई थी उसको इस जगह पे हमको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो साइकिल का स्पोक का जो नट है उसको पहले डाल देंगे, फिर उसके बाद हमारा ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसको डालेंगे और फिर उसके बाद नट डाल देंगे इस पर। गाइस, मैं इस जगह पे फेविक्विक डाल दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। मैं इस जगह पे भी सुपर ग्लू डाल दे रहा हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो
मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया यहाँ पे। अब आप देख सकते हो ये मैंने जो बड़ा वाला पीस था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हमको अब इसको इस जगह पे चिपका लेना है, तो मैं इसको नाप के चिपकाऊंगा। अब आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से हो रहा है इस जगह पे, तो इस जगह पे हम इसको ग्लू गन से चिपका देंगे। तो चलिए ग्लू गन से मैं यहाँ पर इसको चिपका देता हूँ। ये हमने इसको चिपका दिया। अब सिरिंज को भी हमें इस जगह पे चिपका देना है, तो मैं ग्लू गन से इस सिरिंज को भी इस जगह पे चिपका दे रहा हूँ। तो चलो गाइस अब फाइनली इस जगह पे नट लगा दे रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमने ये पूरा हमारा कंप्रेसर असेंबल कर लिया है। अब देख सकते हो गाइस ये मैंने दूसरा सिरिंज यूज़ किया है, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला सिरिंज था उसमें इस जगह पे यहाँ पर वो फट गया था, जिससे प्रेशर नहीं बन पा रहा था, तो मैं दूसरी सिरिंज का यूज़ किया हूँ अभी। तो चलो गाइस हम मोटर पे इस जगह पे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा कंप्रेसर रेडी है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, इस पे बुलबुला निकल रहा है कि नहीं। ओके तो चलो गाइस हम इसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम इसका पावर ऑन करते हैं। और देख सकते हो गाइस ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको इस पे डाल के देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो भाई ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे आप इसको अपने घर में एक्वेरियम में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम इससे कुछ गुब्बारे फिलाते हैं। तो आप देख सकते हो ये गुब्बारा है हमारे पास, इसको हम लोग इसी कंप्रेसर से फुलाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये इस गुब्बारे को फुला पा रहे हैं कि नहीं। तो गाइस आप इस तरीके से फुग्गा फुलाने में इसका यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से ये फुग्गा फुल गया। गाइज आपको ये कंप्रेसर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे लिए एक लाइक छोड़ना और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करना, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।